हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज योर एजुकेटर वेदांत उपाध्याय। भाई रटा रटाया डायलॉग सुन के मजा तो आता नहीं होगा तुम लोगों को, पर फिर भी मेरे को इंट्रोडक्शन तो देना है। चलो देखो भाई, आज जो हमने पुराना टॉपिक पढ़ रखे हैं उससे आगे ही स्टार्ट कर रहे हैं। और ये भी टॉपिक हमने पढ़े हैं हमारी जिंदगी में, जो कि बहुत बड़ी हो चुकी है अब। इसमें हमने पढ़े हैं चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं, ठीक है। तो अब मैं ये वाला टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। कूलम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा है, अब हम किस में पढ़ना चाह रहे हैं इसको, मैग्नेटोस्टैटिक्स में। तो कूलम ने क्या बोला था, मतलब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया जाता है कि जो इन दोनों बार मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगेगा ना, ये एक बार मैग्नेट, ये दूसरी बार मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल, अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, प्लस इन दोनों के बीच में हमने क्या किया हुआ है, आर डिस्टेंस रख रखी है, इसकी पोल स्ट्रेंथ एम, इसकी पोल स्ट्रेंथ एम नॉट। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों की पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर से, इन दोनों में जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों के पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वेशन नंबर 1। और क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलो यस। बाय 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कॉन्स्टेंट लगता है, के एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहां पे के की वैल्यू क्या है, एफ इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर इट इज क्लियर। तो ये हमारे पास कूलम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स है, और ये तो हम बचपन में ही पढ़ के आए थे जबकि हम 4th चैप्टर पढ़ रहे थे कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर -7। बोलो यस, आंसर नहीं, 10 की पावर -7, ठीक है। कूलम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स सीधी सीधी सी चीज है, कोई इसमें भेद की बात नहीं है। जब दो बार मैग्नेट को मैं पास में रखूंगा और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है आर, एक की पोल स्ट्रेंथ है प्लस का एम और दूसरे की है प्लस का एम नॉट, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी लगना चाहिए, जो लगेगा वो इन दोनों के पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों को कंबाइंड किया तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगता है जिसको हमने के बोला। के की वैल्यू हमने क्या लिखी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो कि हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही वैल्यू क्या होती है, 1/4πE0, जिसकी वैल्यू होती है 9×10⁹. क्लियर, यहां तक क्लियर है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट छापो फिर मैं अगला बताता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है भाई, ये एक रेशियो होता है, ठीक है, किस किस का, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती थी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। यहां पे क्या होगी, फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। बट हम जानते हैं, एज हम जानते हैं, वी नो दैट एफ इक्वल्स टू के एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर होगा, इक्वेशन नंबर 2। इस एफ को इसमें पुट कर दो तो बी की वैल्यू क्या आएगी, के एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम नॉट, डिवाइड का साइन हटेगा तो इक्वल्स टू का साइन लगेगा, सॉरी इनटू का साइन लगेगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। बोलो यस, एम नॉट से एम नॉट को काट डाला, बी की वैल्यू क्या आ गई, के एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये अपने पास इसकी वैल्यू आ गई। बहुत आसान है चीजें, पर ये कई बार पूछी जाती है एक एक नंबर में और हम मुंह देखते रहते हैं क्योंकि हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को देख लेते हैं, हाँ गॉस थ्योरम, हाँ ये, हाँ वो, पर हमको क्या करना है भाई, छोटे छोटे कंसेप्ट पे भी ध्यान रखना है और ये अच्छे से समझ के चलना है। जैसे इसकी यूनिट, अब यूनिट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अरे इंटेंसिटी पता किसकी लगा रहे हैं अपन, मैग्नेटिक फील्ड की, और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला,
और डायमेंशन क्या होता है m1 l0 t माइनस टू ए माइनस वन, ठीक है। इसको अच्छे से कॉपी कर लो और इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डायपोल एट एक्सियल पोजिशन। इक्विटोरियल पढ़ा अपन ने कहां पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। एक्सियल पढ़ा कहां पे, कहां पे बोलो भाई फटाफट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब यहां पे हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे की कार्रवाई शुरू कर सके। हाँ भाई कार्रवाई शुरू करें, थोड़ा सा मैं क्या है इसको साफ सुथरा कर दूं बोर्ड को, ताकि हम, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक निकलेगा ना, तो इसको मैं दोनों पोर्शन में लिखवाऊंगा। टॉपिक क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल। टॉपिक आप लोग कॉपी कर लो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डायपोल एट एक्सियल पोजिशन, एट एक्सियल पोजिशन। देखो भैया ये एक बार मैग्नेटवा, क्या है ये एक बार मैग्नेटवा, ये बार मैग्नेट का जो ये पोल है ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इस पे प्लस एम स्ट्रेंथ होती है, इस पे माइनस एम होती है, ये इसका कोई सेंटर पॉइंट है ओ, है ना। इसकी पूरी लेंथ, डायपोल लेंथ कितनी है 2L, बोलो यस। इसकी आधी लेंथ कितनी होगी L, बोलो यस, है ना, आधी लेंथ L होगी। अब इसके सेंटर पॉइंट O से कोई एक पॉइंट है P पॉइंट, जो कि R डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे या X डिस्टेंस पे मान लेते हैं, एक्स डिस्टेंस पे, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में किया था सेम टू सेम मैग्नेटिक फील्ड में होगा, इसके कारण इस पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बी वन, इसके कारण इस पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बी टू, इनके बीच का डिस्टेंस भी फाइंड कर लेते हैं। ये यहां से लेकर पी पॉइंट तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई, ये x और ये l, तो ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा x प्लस l, कितना होगा x प्लस l, ठीक है। अब इधर ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, ये पूरा x, अच्छे से देखना, ये पूरा x, x में से इतना सा माइनस करेंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं अपन x माइनस l, बोलो यस। अरे बोलो बचवा क्या बोलेंगे इसको, x माइनस l, इतना क्लियर है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड वन निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड टू निकालेंगे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, पहले चेक करेंगे कौन से वाली बड़ी है और फिर माइनस कर देंगे, ठीक है। फटाफट से डायग्राम कॉपी करो, डायग्राम अच्छे से आना चाहिए तब जाके अपन आगे का काम कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट से कॉपी करो और इसके आगे का मैं फिर समझाता हूं। हाँ भाई आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा इसको, अब मैं समझा रहा हूं इसको। देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी अपन ने निकाला जस्ट थोड़ी देर पहले, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट एम अपॉन आर स्क्वायर, यही होता था। अगर मैं फर्स्ट वाले के लिए निकालूंगा तो फर्स्ट वाले के लिए क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर की जगह, आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस बी वन के लिए कितना होगा भाई, बी वन के लिए मतलब इस पोल से क्या होगा x प्लस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। फिर से देखना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वैसा का वैसा ही, r क्या था डिस्टेंस था फर्स्ट पोल से मतलब नॉर्थ पोल से यहां तक का डिस्टेंस कितना है x प्लस एल का होल स्क्वायर। सिमिलरली b2 लिखेंगे अपन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस x माइनस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू। अब मेरे को नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या करेंगे अपन, B इक्वल्स टू दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, जब डायरेक्शन अपोजिट है तो अपने आप ही माइनस करना है। अब मेन कंसेप्ट यहां पे शुरू होता है, बच्चे क्या करते हैं इसको रटने की कोशिश करते हैं, मैं बहुत सरल तरीके से बताऊंगा अच्छे से समझ में आएगा। देखो अब इन दोनों में से बड़ा क्या है ये मेरे को पता लगाना सीखना है। मान लो एक्स को तो मैंने मान लिया 3,
वाई, एल को मैंने मान लिया वन, ठीक है, एक्स को थ्री माना, एल को मैंने वन माना, और जो हमारा एम है उसको मैंने मान लिया एट। अब देखते हैं दोनों में कितना कितना आंसर आता है। पहला केस बी वन के लिए, इसको तो छोड़ ही दो, एट अपॉन थ्री प्लस वन कितना होगा, एट अपॉन फोर, यानी कि आंसर कितना आया टू, बी टू निकालेंगे, एट अपॉन थ्री माइनस वन यानी कि कितना आएगा, एट अपॉन टू यानी कि आंसर फोर, बड़ा कौन सा होगा बी टू। हमेशा याद रखना नीचे वाली वैल्यू जितनी कम फाइनल रिजल्ट उतना ही बड़ा, नीचे वाली वैल्यू जितनी कम फाइनल रिजल्ट उतना ही बढ़ के आएगा, ठीक है, इतना क्लियर होगा। तो मान लेते हैं, बोल देते हैं इधर, सिंस बी टू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बी वन, हेंस बी इक्वल टू बी टू माइनस बी वन, बी बराबर म्यू नॉट म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर डॉट डॉट, ठीक है, कॉमन क्या लेंगे, बी इक्वल टू म्यू नॉट एम अपॉन फोर पाई कॉमन आ चुका है यहाँ पे, वन अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, बोलो यस, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एम अपॉन फोर पाई एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे, x माइनस एल के होल स्क्वायर से x माइनस एल का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, इधर सेम करेंगे तो x माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है, क्लियर है इतना भाई। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, b इक्वल्स टू म्यू नॉट m अपॉन फोर पाए, इधर से सॉल्व करना शुरू करेंगे, x स्क्वायर प्लस टू एक्स एल प्लस एल स्क्वायर, अभी ब्रैकेट में बंद रखो इसको, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एल प्लस एल स्क्वायर, क्लियर इधर। अब ये देखो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, या एक बार और इसको ऐसा ही लिखते हैं फिर अगले स्टेप में चेंज करवाऊंगा, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम ब्रैकेट खोलना शुरू कर रहे हैं, ब्रैकेट खोलेंगे कैसे, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाए इंटू एम, भी आगे यहीं पर लगा दिया मैंने अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एल प्लस एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एल माइनस एल स्क्वायर अपॉन में। अब देखो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने क्या करा है सिर्फ और सिर्फ इसको तो एज इट इज लिखा, इस वाले ब्रैकेट को तो एक्स स्क्वायर टू एक्स एल प्लस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर टू एक्स एल और एल स्क्वायर। अब देखो बीच में माइनस का साइन है, ये माइनस इसको माइनस बनाएगा, ये माइनस इसको प्लस बनाएगा, ये माइनस इसको माइनस बनाएगा, वही काम मैंने कर दिया। अब देखो एक चीज समझना, अगर कहीं लिखा हो ए स्क्वायर, अगर कहीं लिखा हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए बी का होल स्क्वायर। अरे नहीं, अरे नहीं, समझ गए यार, ठीक है, सेम चीज यहां भी तो है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर क्या होगा, ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यहां पे बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एम अपॉन फोर पाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट डाला, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर को काट डाला, क्या बचा भाई 4xl अपॉन a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, थोड़ा सा सांस लो और सांस लेके इसको पूरा देखो एक बार, आंखें बंद करके देखना ज्यादा जल्दी अच्छी तरह से दिखता है, ठीक है, फटाफट से देखो फिर मैं आगे का स्टेप कराना बताऊंगा आपको, फटाफट देखो, देख लिया। अब देखना इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाए, इधर देखना अच्छे से 2x इनटू m अंदर ले गया मैं, इनटू में 2l अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो यस। अब हमने पढ़ा है बचपन में, जब हम दो क्लास पहले थे, दो क्लास पहले हमने पढ़ा है जब हम बचपन में थे कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को हम लिखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल लेंथ एंड पोल स्ट्रेंथ। यही होता है, यहां पे पुट अप कर दिया, ठीक है। ये हमारा खींच तान के थोड़ा सा इसको सुंदर तरीके से लिख दें अपन, तो ये इस प्रकार हमारा रिजल्ट आ गया है, माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकल गया है, इसका रिजल्ट आ गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल केस बनाना है जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में ही बताया था। इफ अगर x इज वेरी 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 ग्रेटर देन l, इट इंप्लाइज दैट l इक्वल्स टू 0। अगर मैंने ये डाइपोल पॉइंट, मतलब जो पॉइंट लिया है जिसमें मेरे को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ये बहुत ज्यादा दूर है। क्या ये बहुत ज्यादा दूर है, किससे, सेंटर पॉइंट से, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स की जो वैल्यू है ना वो इतनी ज्यादा बड़ी है कि वो एल को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देती है। इस वजह से मैंने एल को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट क्या निकल गया, 2 μ0 / 4π। देखो इसको मैं कैंसिल करने की सलाह इसलिए नहीं देता हूं कि μ0 / 4π की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁷। ये न्यूमेरिकल करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, इसलिए इसको कैंसिल नहीं करना है गलती से भी। इसको जीरो करा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या बनता है, x⁴। क्या बनता है, x⁴। इससे इसको कैंसिल करा 3 times, क्या आंसर आया, बी इक्वल्स टू 2 μ0 / 4π x³। बोलो यस, ओके, ठीक है भाई। फटाफट से इसको देखो, इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद अपन इसी का ही अगला टॉपिक और करेंगे। क्यों करेंगे अपन, क्योंकि ये मैं चाहता हूं कि ये वाले जो बड़े बड़े टॉपिक हैं, जो डेरिवेशन हैं, जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको केवल और केवल एक लेक्चर में ही मिले। चाहे हो सकता है ये थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाए, लेंथी हो जाए, पर हमको क्या है, पूरी चीजें एक तरफ ही मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए फटाफट से इसको छापा छापी करो ताकि मैं आगे का करा सकूं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब अपन जो करना चाह रहे हैं, अपन क्या निकालना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं। एक मैग्नेटिक डायपोल के कारण उसका पोजीशन कहां पे रखा है अपन ने, वो पॉइंट रखा है अपन ने इक्विटोरियल पॉइंट। अब सबसे पहली चीज आती है, सबसे बेसिक चीज समझना कि इक्विटोरियल पॉइंट क्या होता है। वैसे मैंने ये फर्स्ट चैप्टर में समझाया हुआ है इक्विटोरियल पॉइंट क्या होता है, पर फिर भी समझा देता हूं एक बार, क्योंकि हम बच्चे हैं और भूलना हमारा जन्म से अधिकार है, तो इसलिए बता देता हूं फिर भी मैं। इक्विटोरियल पॉइंट होता है कोई डायपोल के सेंटर पॉइंट से इसकी जो लाइन बन रही है, इस पे कोई भी पॉइंट क्या कहलाएगा, हमारा इक्विटोरियल पॉइंट कहलाएगा। फिर से, डायपोल इसका सेंटर, सेंटर से इधर कहीं एक पॉइंट कंसीडर करते हैं अपन, उसको ही क्या बोलेंगे अपन, इक्विटोरियल पॉइंट कहेंगे, ठीक है। पहले इसको हम ज्वाइन कर देते हैं इससे, ठीक है, ये इसको ज्वाइन कर दिया। इसका जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, वो मान लिया अपन ने x। आगे इसको फर्दर हम ज्वाइन करेंगे यहां से इस पॉइंट से और यहां से इस पॉइंट से, ठीक है। ये पॉइंट हमारा, इस पॉइंट P पे हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, क्लियर है। अब देखो, अगर मैं ये पूछूं कि ये वाली साइड कितनी निकल के आएगी, तो हम जल्दी से क्या करेंगे, हमारी दिमाग की बत्ती जलाएंगे और क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है भाई, इसकी साइड कितनी आएगी, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, सेम एज इट इज इसमें आएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इतना क्लियर है। इसके कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर की तरफ होगी, बी वन। इसके कारण, या इसके कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन छोटे वाले की तरफ, यानी कि यहां पे ये हो गया हमारा बी टू, बी वन इधर बी टू इधर, तो रिजल्टेंट कहां निकल के आएगा इसका, बीच में, क्लियर है इतना भाई। ये एंगल मैंने अपने आप मान लिया थीटा, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, थीटा।
अच्छा क्यों हो रहा है थीटा, इसकी सारी चीजों के बारे में हमको रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर होता तो मैं वीडियो लंबी कर रहा हूं। इसका क्या कारण है कि हमको डायग्राम समझ में आया अच्छे से, इसलिए एक एक स्टेप बना के बता रहा हूं मैं आपको। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा क्यों होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। होंगे, बोलो यस। चलो ये इक्वल है, ये इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। अब देखो ये क्या बना रहा है, एक जेड फॉर्म कर रहा है, जेड फॉर्म कर रहा है, तो ये वाला एंगल अपने आप ही क्या हो जाएगा, थीटा। क्या होगा, थीटा। अब ये थीटा है तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, थीटा होगा। अरे होगा नहीं होगा, एंगल, फिर से एंगल के साथ वाला बी टू कॉस थीटा, एंगल के परपेंडिकुलर वाला बी टू साइन थीटा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्लास 11 की भूली भटकी यादें जो कि हमें याद होनी चाहिए, फिर से एंगल के साथ वाला बी वन कॉस थीटा, एंगल के परपेंडिकुलर वाला बी वन साइन थीटा। क्लियर है इतना? अब देखो एक चीज समझो, ये बी टू साइन थीटा और बी वन साइन थीटा क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। किस कंडीशन में, अगर बी वन और बी टू की वैल्यू सेम हो, तो सबसे पहला काम ही क्या करते हैं अपन, बी वन और बी टू की वैल्यू निकालते हैं। बी वन और बी टू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी वन इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई डॉट एम अपॉन आर स्क्वायर। अब आर यहां पे क्या है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करते हैं तो बी वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट, ये स्मॉल एम है कंफ्यूजन में हो, म्यू नॉट अपॉन फोर पाए एम अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये इक्वेशन नंबर वन मान ली। सिमिलरली ये बी टू की वैल्यू क्या आएगी, सिमिलरली बी टू भी सेम आएगा, क्योंकि इसका भी डिस्टेंस क्या है, सेम है, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ क्या है, सेम है, बस मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है, पर यहां पे हम डायरेक्शन लेते नहीं है। क्लियर है नंबर टू, सिंस बी वन एंड बी टू कंपोनेंट या साइन कंपोनेंट विल कैंसिल आउट ईच अदर एंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू बी वन कॉस थीटा प्लस बी टू कॉस थीटा। यहां लिख सकते हैं सिंस बी वन इक्वल्स टू बी टू देन बी इक्वल्स टू बी वन कॉस थीटा प्लस बी वन कॉस थीटा। मैंने क्या किया है बच्चा, मैंने ये किया है कि बी टू की जगह अभी बी वन लिख दिया है, अब दोनों को कंबाइंड करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी, टू बी वन कॉस थीटा। ठीक है, एक बार डायग्राम के साथ साथ ये जो चार छह स्टेप लिखे हैं इसको भी आप लोग निहारो, और पॉज करके निहार के फिर मेरे को बताओ कुछ डाउट है क्या, नहीं तो आगे चालू करें। चलो आई होप करा होगा आपने, तो आगे स्टार्ट कर। तो भाई अब देखना आगे, आप लोगों को बताने के चक्कर में तार फार सब हिला देता हूं मैं, खो जाता हूं मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, b इक्वल्स टू टू बी वन, बी वन की क्या वैल्यू है भाई, म्यू नॉट अपॉन फोर पाए इंटू एम अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब इन ट्राइंगल, इसको ए पॉइंट माना हमने, इसको बी माना और इसको पी मान रखा है, इन ट्राइंगल ए ओ पी कॉस थीटा इक्वल्स टू, कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है बच्चा, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपो, बेस कितना दे रखा है हमारे पास ओ ए, हाइपो कितना है हमारे पास ए पी, कॉस थीटा इक्वल्स टू ओ ए, ओ ए कितना है भाई L अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको थोड़ा सा हल्का सा मैं नेक्स्ट आसा इसको सॉल्व करूंगा, पावर क्या हो जाएगी इसकी, हाफ भाई, कहीं भी पावर वन बाय टू लगी होती है, मतलब अंडर रूट लगा होता है, तो उसकी जगह हम क्या चेंज कर सकते हैं, वन बाय टू। इतना क्लियर है, देखो भाई इसको इक्वेशन नंबर हमने माना टू नहीं थ्री, इसको फोर बाय इक्वेशन थ्री एंड फोर, वी कैन राइट बी इक्वल्स टू
टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई डॉट एम अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में एल इंटू एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर वन बाय टू। क्लियर? अब थोड़ा सा देखो काटा पीसी थोड़ा सा सॉल्व करना शुरू करेंगे। म्यू नॉट अपॉन फोर पाई को एज इट इज लिखा है, टू इधर मल्टीप्लाई में, इधर भी मल्टीप्लाई में रहेगा, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं, एम इंटू टू एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, यहां पे कुछ नहीं है मतलब वन है, और यहां पे इधर मैं करके बता रहा हूं वन प्लस वन बाय टू करेंगे तो आंसर क्या आता है थ्री बाय टू। जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है एड, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो इसको लिख सकता हूं एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर थ्री बाय टू। ठीक है, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा आवाज में, क्योंकि क्या है थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है, गले में दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सा आपको लग सकता है, तो थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करें। बाकी तो आप सारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, टीचर की परेशानी समझते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं एम मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। आगे बढ़ेंगे एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर थ्री बाय टू। वैसे तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, अगर डेरिवेशन पर्पस से देखें, पर इसका जो रिजल्ट जो यूज में आता है हमारे पास वो क्या होता है, इफ एक्स इज वेरी 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 ग्रेटर देन एल, अगर एक्स जो लिया है हमने, जो इससे पहले वाले डेरिवेशन में करा था ना बच्चा, कि एक्स को हमने कितना लिया है, इतना ज्यादा दूर लिया है कि एल उसके कंपेरिजन में बहुत चिन्नू सा है, जब चिन्नू सा है तो चिन्नू को क्या कर देंगे अपन, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यहां पे भी एल की जगह पे क्या लिख देंगे अपन, एल इक्वल्स टू जीरो, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी म्यू नॉट अपॉन फोर पाए एम अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एल की जगह पे जीरो लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर की होल पावर कितनी आ जाएगी थ्री बाय टू, इस पावर से पावर गई, बी की वैल्यू क्या निकल गई म्यू नॉट अपॉन फोर पाए एम अपॉन एक्स की पावर थ्री। क्लियर है इतना, ये अपना फाइनल रिजल्ट था, इसको एक बार आप पॉज करो, पॉज करके इसको समझो, समझ के फिर मेरे को बोलना, और फिर भी नहीं आता है तो फिर मेरे को बोलना, ठीक है, इसमें बस वेक्टर और लगा दो ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। तो आई होप बच्चा आप लोगों ने इसको नोट करा होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे, फ्रूटफुल लगे, तो आप बिल्कुल इसके लिए लाइक करना, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना, बाकी ऐसी और वीडियोस में लाता रहूंगा ताकि आप लोगों का सिलेबस कंटिन्यू चलता रहे। थैंक यू।